Hey guys, today we are going to talk about a mighty bird called Great Indian Bustard. Let's begin our video. Rajasthan. Rajasthan ka naam aate hi Registan dhyan mein aata hai. Aur isi Registan mein rehta hai ek durlabh pakshi, Great Indian Bustard, jise Rajasthan mein Godavan ke naam se jana jata hai. Godavan Rajasthan ka rajya pakshi hai. विश्व में सबसे अधिक वजन के उड़ने वाले पक्षियों में से एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसी ऑस्ट्रिच की तरह दिखता है. लगभग एक मीटर लंबी ऊंचाई और 15 से 18 किलो तक का वजन और लंबी टांगों वाला यह पक्षी आज विलुप्त होता जा रहा है. GIB कॉमनली भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है. भारत में अब यह राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में ही देखा गया है. घास के मैदानों में रहने वाला यह पक्षी ओमनिवोरस होते हैं, यानी कि सर्वाहारी, और कीड़े मकौड़े, ग्रास हॉपर्स, बीज, बेर, बाजरा और छोटे रेप्टाइल्स पर निर्भर रहते हैं. GIB की कम होती जनसंख्या के कारण IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने GIB को रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड यानी कि गंभीर रूप से लुप्त प्राय की कैटेगरी में रखा है. बॉन कन्वेंशन में या फिर इसी का दूसरा नाम कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज के अंतर्गत इसे अपेंडिक्स 1 में शामिल किया गया है. यह सम्मेलन गांधीनगर गुजरात में 2020 में UNEP के तत्वाधान में आयोजित किया गया था. वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में भी गोडावन को कैटेगरी 1 के अंतर्गत संरक्षित किया गया है, जिससे कि इसके शिकार पर पूरी तरह से पाबंदी है. दूसरी तरफ पाकिस्तानी क्षेत्रों में इसका शिकार कर मांस खाया जाता है. एक अन्य कन्वेंशन साइट्स में भी इसे उच्चतम स्तर का संरक्षण देने की बात की गई है. GIB के संरक्षण में कई प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि गोडावन का शिकार मुगल काल के समय से लेकर अंग्रेजों के समय तक किया जा रहा था और इतिहास में शिकार के तथ्य भी मिलते हैं. दूसरा कारण ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक वास में कमी का होना है, चाहे फिर वह लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग की वजह से हो, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की वजह से हो, जैसे कि सोलर पावर प्रोजेक्ट्स और विंड टर्बाइंस का स्थापित होना. एक अन्य कारण खेती के कारण घास के मैदानों का कम होना है. इसके अलावा चूंकि ये पक्षी अपना घोंसला जमीन पर बनाता है तो जंगली कुत्तों व अन्य जानवर इनके अंडों को नष्ट कर देते हैं, जिससे भी इनकी संख्या में कमी हो रही है. हाल में सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं उच्च तनाव वाले ओवरहेड तारों की वजह से हुई हैं. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का फ्रंटल विजन यानी कि सीधे देखने की क्षमता बहुत कम होती है और वह इन तारों से टकरा कर मर रहे हैं. इन प्रतिष्ठित पक्षियों को बचाने के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राजस्थान और गुजरात गवर्नमेंट को ओवरहेड तारों को अंडरग्राउंड करने के लिए निर्देशित किया. जिन तारों को अंडरग्राउंड नहीं किया जा सकता है उन पर फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर्स लगाए जाएंगे. फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर्स एक तरह के रिफ्लेक्टर्स हैं जिन्हें GIB दूर से देख पाते हैं और अपनी दिशा बदल देते हैं. इसके अलावा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के हैबिटेट्स को कंजर्वेशन रिजर्व्स घोषित करने का निर्णय लिया गया है, जिससे कि GIB को उच्च स्तर का संरक्षण दिया जा सके. नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम में GIB को शामिल किया, जिसके अंतर्गत क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज और उनके आवास का संरक्षण किया जा रहा है. स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट का कॉम्पोनेंट है. राजस्थान सरकार द्वारा भी प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की शुरुआत 2013 में पर्यावरण दिवस पर की गई. इसके अंतर्गत डेजर्ट नेशनल पार्क में अतिरिक्त क्लोजर्स, प्रजनन क्षेत्रों की फेंसिंग, विचरण क्षेत्र में घास क्षेत्रों का विकास और कैप्टिव ब्रीडिंग आदि की जा रही है. जून 2019 में डेजर्ट नेशनल पार्क में 9 GIB के अंडों से स्वस्थ GIB के जन्म की पुष्टि की गई है. वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने GIB के पुनर्वास के लिए राजस्थान में सोरसन 12 को चुना है. गोडावन या फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ग्रासलैंड इकोसिस्टम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इट सपोर्ट्स लाइफ स्टॉक एंड बैलेंसेज द फूड चेन. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण को संरक्षित क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोगों के साथ और साइंटिफिक प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स और गवर्नमेंट के इफेक्टिव प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन करने पर ही संरक्षित किया जा सकता है. प्लांट ट्रीज, सेव वाटर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.